अगर आपके तीनों बच्चे डूब रहे हो तो आप किसको बचाओगे? किसी को नहीं। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टिकिंग अराउंड। एंड ओ माय गॉड, मैंने इतनी मुश्किल से मम्मी को कन्विंस किया है कि मम्मी प्लीज आ जाओ इस वीडियो में। एंड इफ यू आर कॉन्स्टेंट ऑन माई चैनल तो आपको पता होगा कि मैंने एक वीडियो किया था मॉम के साथ ऑन मदर्स डे, एंड उस वीडियो में मॉम वॉज आस्किंग मी क्वेश्चन। सो दिस वीडियो इज जस्ट द अपोजिट ऑफ दैट, वेयर इन आई वुड बी आस्किंग हर सम क्वेश्चन। एंड आर यू रेडी मॉम? ओके चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, यू रिटन देम डाउन इज इट द क्वेश्चंस? ओ माय गॉड, मेहनत लगती है मम्मी। अच्छा, ऐसे ही नहीं कुछ। अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, हमें तो कुछ पता ही नहीं। ठीक है, ओके। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज दैट वन गुड थिंग एंड वन बैड थिंग अबाउट मी? गुड थिंग अबाउट यू, लेट मी टेल द बैड थिंग फर्स्ट, राइट? That you go after having lunch or dinner, she would go and keep the plate not in the sink, but besides the sink, which I'm always, you know, very angry with her about, because I want her to sort of wash the plate and then keep it in the sink, but she wouldn't do that. She would just go and keep it besides the sink. So that's one of your bad things. घर में लगना चाहिए ना कि बच्चे हैं। हाँ हाँ, कुछ तो एक और बताऊँ, वैसे तो बहुत सारे हैं। और तुम्हारी अच्छी बात तो मेरे ख्याल से ये है कि तुम रूम बहुत गंदा रखती हो, ठीक है। और दूसरा है कि तुम कभी कभी कप्स जो है ले जाके अपने सिंक में नहीं डालती हो। अच्छी चीज़, अच्छी चीज़। अच्छा, ओके, सॉरी, भूल गई। अच्छी चीज़ ये है कि शी इज़ गॉट अ लॉट ऑफ पेशेंस, शी अंडरस्टैंड्स माई आई मूवमेंट, एंड आई डोंट हैव टू स्पीक टू हर मच, सो शी इज़ लाइक माई शैडो। And I am in fact becoming her shadow now, and we have a kind of a silent communication. Like I don't have to really speak to her. When I am thirsty, she knows. When I need a book, she knows. When I need some peace, she knows about it. So I think that's the best part about having her around, that I don't have to really tell her what I'm feeling. She just echoes my sentiment all the time. So that's the most beautiful thing about you. Okay, thank you. When was the last time you were gussa? Last time I was gussa? I think it was yesterday when you kept that same plate. That's an everyday thing, of course. That you call it gussa. हाँ, उस incident में मुझे पापा के double standards दिखे। क्या हुआ था कि मैंने plate रख दिया था बाहर, तो मम्मी देख के मुझे बहुत डांटी थी किचन में, and I was in the kitchen and dad was in the living room. तो मम्मी डांटते किचन से बाहर आई लिविंग रूम में, तो पापा बोल रहे क्यों चिल्ला रही हो, अरे अभी आई है लड़की, क्यों चिल्ला रही हो ऐसा करके। तो मम्मी बोलती है कि यार इसने प्लेट वैसे रख दिया। हाँ, तब तो मैं मारूंगा, तब तो मैं मारूंगा। आई मीन विदिन अ मोमेंट, विदिन अ सेकंड, इट वाज लाइक कि एक तरफ था कि हाँ क्यों चिल्ला रही हो, क्या है। एंड ऐसा है ना, ऑल द टाइम पापा इज फर्स्ट माइन एंड देन योर्स। ओके, बड़ा प्यार आ रहा है। योर प्राउडेस्ट मोमेंट? My proudest moment with you, that is, huh? I think when you... बाकी दो बच्चों तो नालायक हैं। Oh, please. Proudest moment, I think, is when you topped the school, and in the humanities section, you scored the highest in psychology. And I think when we went to receive that prize along with you, so I think that's one of my proudest moments. I didn't expect it, actually, you know. That's the reason. मतलब उसमें जो भी टॉपर्स थे उनके साथ और उनके पेरेंट्स के साथ फोटो खींची थी जो न्यूज़पेपर में आई थी। तो वो मेरा प्राउडेस्ट मोमेंट है। हाँ, यस। कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है मैंने की होगी आपके पीठ पीछे? मेरे पीठ पीछे क्या की होगी? मुझसे बिना बताए कुछ खरीद लिया होगा अमेजोन में, कुछ ऐसा किया होगा, बाल कटवा लिए होंगे या कुछ ऐसा किया होगा। नथिंग वेरी ड्रास्टिक ऑफ कोर्स, बट देन मेरे पीठ पीछे क्या ही किया होगा तुमने। अच्छा, मैं जो अगर जयपुर, अच्छा फॉर दोज पीपल हु डोंट नो, आई एम डूइंग पीएचडी फ्रॉम जयपुर, तो आपका सा क्या लगता होगा कि मैंने कोई ऐसी चीज की होगी आपको बिना बताए? सारे बंकिंग वाले तो तुमने डाली थी उसमें, और क्या किया होगा, कभी कुछ बियर पी लिया होगा।
तुम बताओ तुमने क्या किया मेरे पीछे ऐसा You want me to be very honest? Yeah, very honest. Pakka? Yeah, something that I can digest. डांटा गया था नहीं? Of course, डांटूंगी अगर बुरा लगेगा तो. Like, ये मैं विद्या कसम करके बोल सकती हूँ कि ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है because everything she knew. चाहे वो मैंने bunk किया है वो मम्मी को पता होगा. मेरे फ्रेंड्स स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं वो पता रहता है. मतलब मैं नहीं करती हूँ बट इतना पता है कि आई एम इन अ group wherein people do all these things. Yeah. So in a way she so knows. So maybe the friends must have you know said कि यार एक बार taste कर और शायद से कभी taste किया हो. वो सब चलता है. But then that you can always tell me you know that you know you can always tell me anything. Anything. So in a way she is the best mother in the world. Thanks you. One thing that you don't want my children to inherit from me. अच्छा question है ना? चुप. That you know. ये मत बोलना सिंह के सामने तुम्हारे no, बच्चे no, no. I'll give you one more. You know like she gets up a little late in the morning. हम क्रिएटिव लोग हैं ठीक है. Oh please. रात को सुट्टा के साथ ही हमारी आइडियाज आते हैं तो वो सब जरूरी है. सुबह थोड़ा जल्दी उठना बहुत अच्छा है. तो I wish my grandchildren you know get up early in the morning. Maybe around 7 or so when I say early, right? But definitely not after 11. वो उठेंगे भी उनको चाटा मार के मैं सुला दूंगी कि तुम्हारी माँ सो रही है तुम क्यों उठे हो. अच्छा मैं एक मेरा वीडियो जो आपको ऐसे लगे कि अबे यार ये क्या बनाया टाइप्स. मैंने तो एक हेडिंग देख के मैंने नहीं उसको देखा है. पता नहीं क्या लेटर टू माय एक्स बॉयफ्रेंड और समथिंग. कोई बॉयफ्रेंड है नहीं. शक्ल न सूरत बॉयफ्रेंड एक नाम का नहीं है. और बना चाहते हो मेरा हो ना तो. नहीं मतलब है नहीं लेकिन उसमें पता नहीं क्या व्हाट टू माय एक्स बॉयफ्रेंड और समथिंग. मम्मी ने वो खोल के भी नहीं देखा. लेकिन अगर मैं ये भी बोल देती ना कि एक्स बॉयफ्रेंड आई लव यू प्लीज कम बैक तो मम्मी को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मम्मी ने खोला भी नहीं है. मैंने उसे जैसे ऐसा कुछ बोला ही नहीं है मैंने. अच्छी बात है. बट इट इज़ वन ऑफ मतलब दैट वीडियो इज वन जिसमें कि जो आज का यूथ है उसमें बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा. ओके अब देखूंगी. वन थिंग यू हैव लर्नड फ्रॉम मी. पेशेंस. मतलब हर एक माँ को ऐसा थोड़ा डर होता है ना. तो वॉट इज योर डर फॉर मी. दैट समबडी वुड टेक यू फॉर अ राइड in terms of money because she doesn't know how to count. She won't do any mental mathematics. She doesn't know the Hindi alpha which digits. Is not a very proud thing. Yeah, it's not a very proud thing at all. You must know. And she will keep asking mummy 800 mein se 358 nikal jayega to kitna hoga. Now I said you calculate. She says nahi tum jaldi karke batao. To mujhe aisa lagta hai ki tumko koi bahut lamba jo hai na paise mein wo koi खींच देगा. नहीं धोखा दे सकता है. कैलकुलेटर नाम की भी चीज होती है. हमेशा लेकर घूमोगी तुम. मेरा जब भी व्हेनेवर आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग मेरा कैलकुलेटर हर समय साथ होता है. अच्छा अच्छा चलो फिर वो कैंसिल कर दो. कोई भी क्या लगता है कि मैं डू आई स्वेयर. या मस्ट बी विद योर फ्रेंड्स. कौन सी. नहीं आई डोंट नो रियली. I don't know because I've never heard you and I don't know what your pet swear is and I sometimes feel that I don't think you really do it. But once in a while you might bloody bol deti hogi kuch to hell with you or bloody. I don't know if this is even swear. Nahi matlab I'll tell you the context in my house ki agar aapne galti se gaali de di oh ho ho shamat. Shamat is not the word. Matlab sala kutta kameena is what. मैं ऐसे बोल रही हूँ आपके सामने तो मम्मी तब भी आई एम लिटिल थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल. भाइयों के सामने अगर ये देख रहे होंगे वीडियो ना तो कान के कान से खून निकल रहा होगा कि ये क्या बोल क्या दिया है. आई स्टिल रिमेम्बर मेरे चेन्नई में गलती से कुत्ता निकल गया था. आय हाय 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 मेरा बड़ा भाई. मॉम व्हाट इज द लैंग्वेज दैट शी इज यूजिंग. शी इज यूजिंग फाउल वर्ड्स. क्या उसकी कंपनी हो गई है. ये है वो है पूरा एकदम लेक्चर दिया था मम्मी को. फिर मम्मी ने मुझे बताया था. लेकिन मम्मी जब उसका सुन रही थी मम्मी को ये नहीं बताया कि बेटा तुम्हारे सामने सिर्फ कुत्ता बोला है.
तो नहीं, इन अ वे लाइक आई एम वेरी लाइक मैं पापा मम्मी के सामने, चलो तब भी अगर कुछ ऐसा सिचुएशन इन फ्यूचर आए तो आई कैन थिंक ऑफ यू नो यूजिंग दोज वर्ड्स, बट इन फ्रंट ऑफ माई ब्रदर्स आई जस्ट कांट. गुड शो. अच्छा एक सिचुएशन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. एक सिचुएशन है ठीक है, एंड उसमें यह है कि मैं शादी के बाद ऑब्वियसली हस्बैंड आपको कॉल करता है, बोलता है कि अपनी बेटी को समझा लो, तो आपको क्या लगता है कि मैंने क्या किया होगा? तुमने चाय गिरा दी होगी उबल उबल के. अगर उस चीज के लिए उसने कॉल किया है ना तो मैं तो डिवोर्स ही दे दूं. तुम क्या तो किया होगा तुमने? कुछ भी नहीं किया होगा. बच्चों को गाली सिखा रही होंगे. No, I don't you know envisage anything like that. I don't think so. नहीं, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही हूँ कि कोई मुझे फोन करके कहेगा कि अपनी बेटी को समझा लो. हो नहीं सकता है. मैं डेफिनेटली मतलब I'll give you the benefit of doubt. Okay, that was it about today's video. I hope you enjoyed. And if you did, please don't forget to like, share, subscribe. Any last words, Ma? I wish everybody has a daughter like her. And she has been my, what should I say, soulmate after dad. So that's what. I mean, the cutest and the youngest of my three children, and it's been a breeze ever since she's been in my life. Thank you for being my sweetest daughter.